आपने होली सेलिब्रेशन से पहले जो वीडियो देखी है होली सेलिब्रेशन की, उसको बनाने के लिए मैंने कितनी मेहनत करी और कितनी आउटफिट चेंज करी है मैं आपको सब बताऊंगी। सो मॉर्निंग हम लोग उठे, सबसे पहले मैंने कुर्ते निकाले जो आज मुझे पहनने थे, एक ब्लैक कुर्ता पहनना था, सूट निकालना, मतलब बहुत सारे निकाली, ज्वेलरी मैं लेके नहीं आई थी, सो मैंने दी के बॉक्स में से निकालनी शुरू करी जो जो मैचिंग मुझे समझ में आ रही थी। देन उसके बाद मैं आ गई सीधा ऊपर अपना शूट करने के लिए। सो फर्स्ट चेंज मैंने ये वाला किया था क्योंकि मुझे एक ट्रांजिशन वीडियो बनानी थी, सो उसके लिए ये वाला ही कपड़ा ठीक था। अब मैं जा रही हूँ सीधा मुंह धोने, थोड़ा टचअप करने, टचअप हो चुका था। और मैं फर्स्ट जो आउटफिट पहनने वाली थी वीडियो के लिए, उसके लिए मैं पहन रही थी ये नोज रिंग जो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। सो फर्स्ट लुक बहुत ही सिंपल और कॉलेज टाइप की थी, जिसमें कुर्ता पहना था, साथ में डेनिम थी, इयररिंग्स थे, बाल मुझे समझ में नहीं आ रहे थे कैसे, सो मैंने खुले नहीं रखे, मैंने उनकी बना ली थी पोनी क्योंकि मुझे ना और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट चेंज। तो नेक्स्ट कुर्ता मैंने पहना था ये रेड वाला, ये मैंने होली के लिए मंगवाया था क्योंकि होली पे ना हर बार मैं कुछ व्हाइट पहनती हूँ, इस बार मैंने सोचा था रेड पहनूंगी, सो ये मेरी होली लुक होने वाली है। उसके बाद मैंने परांदा पहना था, इयररिंग पहने थे, इसमें मुझे वीडियो शूट करनी थी क्योंकि मुझे पता था होली वाले दिन तो कोई वीडियो शूट करने ही नहीं देगा इस कुर्ते में। देन जो होली के लिए कुर्ता मंगवाया था उसको मैंने पहले पहन लिया क्योंकि आज मुझे करनी थी होली सेलिब्रेशन वाली वीडियो। इयररिंग्स मैंने ये वाले पहने थे साथ में, फर्स्ट टाइम मैंने ये वाला हेयर स्टाइल ट्राई करा था और ऐसे कुछ इयररिंग्स पहने थे साथ में, ये कंगन पहन लिए। आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको सबसे अच्छी लुक कौन सी लगी है जो मैंने करी है। फिर गले में भी मैंने एक नेकलेस पहन लिया। एंड गाइस सॉरी, मैं सुबह सुबह वॉइस ओवर दे रही हूँ तो मेरा गला हो रहा है ख़राब, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। फिर आ गए हम लोग होली की वीडियो बनाने के लिए जहाँ पे ये सब लोग हमारी हेल्प कर रहे थे। एंड गाइस अगर अभी तक आपने पेज फॉलो नहीं करा है सो पेज को फॉलो कर लो। एक परफेक्ट लाइट नहीं मिल रही थी तो हम बार बार रीटेक कर रहे थे, फिर इस एंगल में आके हमें मिली एक परफेक्ट लाइट और हमने करी वीडियो शूट। अगर आपने देखी नहीं तो मेरी खुशी चौधरी वाली आईडी पे जाके चेक कर सकती हूँ, जहाँ विवेक चौधरी पे भी आपको मिल जाएगी। फिर हमने कलर लगा के बनाई कुछ स्टोरीज और हालत हो रही थी पूरी ख़राब, स्ट्रगल इतना चल रहा था क्योंकि जो हवा थी वो कभी इधर चल रही थी उधर चल रही थी तो कलर परफेक्ट नहीं आ रहा था। सो हमारे जो डांस स्टेप भी कर रहे थे वो भी वेस्ट जा रहे थे क्योंकि जब तक कलर नहीं आएगा तब तक डांस हो नहीं पाएगा। फिर इतना कलर आ गया कि हमारा डांस ही छुप गया, तो हमें बार 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 रीटेक ले लेके हालत ख़राब हो गई थी मेरी। तो उसके बाद फाइनली ये वीडियो बन गई। घर की हालत इतनी ख़राब हो गई थी ना, शूट कर रहे थे उसके बाद मैंने कल खुशी चौधरी के लिए एक वीडियो शूट करी थी उसमें बड़ा खलारा हुआ था। सो मैंने डिसाइड करा पूरा ऊपर वाला घर मैं फटाफट क्लीन कर देती हूँ। मैंने पूरा घर क्लीन कर दिया, अभी मैं सामान सेटल कर ही रही थी कि नीचे से माँ का कॉल आ गया कि फटाफट नीचे आना, कोई सरप्राइज़ है। तो मैं फटाफट गई नीचे ये देखने के लिए क्या सरप्राइज़। इतने में विवेक भी आ गया तो मैं छोटी को देख के समझ गई कि शायद घर में पिया दीदी आए हैं। तो वर्स यस, पीयूष भाई और कल आने वाले थे वो आज ही आ गए सरप्राइज़ देने, सो बहुत अच्छा लगा। तो अब मिलते हैं कल।